वेलकम टू मैथ क्लास एनालिस्ट। वीडियो का टॉपिक है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 234 एंड 104। हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इनके बिटवीन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल क्या है, देन क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मीन प्रोपोर्शनल ये है, अगर थ्री क्वांटिटीज हैं ए बी एंड सी, वो रिलेट हुई हैं इस तरह ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन इसमें बी हमारे पास क्या मीन प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करने के लिए तो उसको किस तरह करते हैं, टू क्वांटिटीज़ हैं लेट कर लेंगे कि एक्स हमारे पास क्या है मीन प्रोपोर्शनल है, देन फर्स्ट क्वांटिटी को लिखें इधर और फिर ये जो सेकंड है उसको लास्ट पर लिख लें और सेंटर में यहाँ भी रेशियो यहाँ भी रेशियो और यहाँ पर प्रोपोर्शन यहाँ पर जो लेट किया हुआ है दो दफ़ा लिख लें। फिर इसको लिख लें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स में इसको 20 × 45 को लिख लें और मीन्स में इन दोनों को, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें इनको मल्टीप्लाई कर दें। और फिर हमें तो एक्स जो है यहाँ पर हमने लेट एक्स किया था कि मीन प्रोपोर्शनल है, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ और फिर सॉल्व करके आंसर आ गया। आ जाए हम क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट x be the mean proportional then इसको लिखना कैसे है, फर्स्ट क्वांटिटी को लिख लें 234 then रेशो then जो है आपने क्या करना है सेंटर में x जो लेट किया हुआ है फिर प्रोपोर्शन का प्रोपोर्शन आ गया फिर x आ गया फिर रेशो और फिर ये जो क्वांटिटी है सेकंड वो लिख ली। फिर यहाँ पर लिख लें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स में हमारे पास क्या आ गया 234 × 104 और मीन्स में हमारे पास x इंटू एक्स। तो 234 को 104 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर कर लेते हैं 234 मल्टीप्लाई बाय 104, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये आ गया 243 36 और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो हमें क्या एक्स हमने लेट किया था कि मीन प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ भी, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और एक्स आ गया। और यहाँ पर जो है ये किसकी इक्वल होगा, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं 243 36 है ना, तो इसको भी मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ स्क्वायर रूट बाय डिवन मेथड, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें तो 156 आ गया। स्क्वायर रूट फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड होता है बाय डिवन मेथड, तो आप तो कैलकुलेटर पर लिखें स्क्वायर रूट जो है 243 36, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 156। तो हमारे पास 156 इज इक्वल टू एक्स है, तो हम कह देंगे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 156। तो ये हमारे पास क्या हो गया मीन प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है इस पर भी स्क्वायर रूट, अगर आपको फाइंड आउट हमने करना बाय डिवन मेथड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, समझ आए। तो इस तरह हमारे पास जो है वैल्यू आ गई और ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल हो गया। अब आपके पास कोई भी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं डिफरेंट होंगी, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने को कहा जाता है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यूड पर थर्ड पर फोर्थ पर सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।